फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोग प्रॉमिस किया था कि मैं कल आप लोगों को बताऊंगी फ्लू वैक्सीनेशन जो किड्स का आया है, तो शुरुआत से शुरू करती हूँ। हमको डॉक्टर आकर्ष के जो पीडियाट्रिशियन है उनका मैसेज आया कि फ्लू वैक्सीनेशन का ऐसा ऐसा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बोला है, सब बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं है लेकिन लेना है, मतलब लेंगे तो अच्छा है मानसून के पहले। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो भी कोविड के सिम्टम्स है और नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स है वो थोड़े मिलते जुलते हैं, तो उससे कंफ्यूज होके बुखार में सर्दी में कंफ्यूज होके डॉक्टर के यहाँ ना जाए, कोविड का टेस्ट बार बार ना करना पड़े, ये सब सिचुएशन से बचने के लिए और एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी इस थर्ड वेव से पहले बच्चों लोगों को मिल जाए उसके लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये रेकमेंड किया है। तो हम लोग ये देने के लिए आज जा रहे हैं। और मैंने काफ़ी अपने जान पहचान के जो भी डॉक्टर से सबसे पूछा मैंने, तो सबने ही बोला कि लेना है, ले लेंगे तो अच्छा है, इस बार ये जो थर्ड वेव की बात चल रही है उसके पहले तो लेना ही है। अभी तो फिलहाल हमने डिसाइड किया है कि हम लोग देने जा रहे हैं और ये आप लोग के ऊपर है कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पे आकर हमेशा की तरह अंकल को गुड मॉर्निंग बोले वॉचमैन अंकल को, और ये हमारी सोसाइटी का एंट्रेंस है, वहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और अभी हम लोग कार में बैठ गए हैं और ये देखिए हम लोग निकल गए फाइनली। और यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के यहाँ पहुँच चुके हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियंस हैं इन कल्याण, हम लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये रेगुलर चेकअप के बाद आकर्ष को इंजेक्शन लगेगा दिया। आकर्ष ने बहुत अच्छे बच्चे की तरह इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर भी बहुत खुश हो गए, एकदम बिल्कुल भी चू की भी आवाज़ नहीं आई, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे बच बच के आकर्ष ने एकदम देखिए बस थोड़ा सा ही एक्शन किया, और वो तो नेचुरल है, मतलब दर्द होता है तो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोया आकर्ष, तो अच्छा लगा हमको। तो आकर्ष का हो गया है वैक्सीनेशन और आकर्ष को बहुत ज्यादा, आकर्ष खुश है, गाड़ी इज गोइंग। चलो आकर्ष बोल दो कि मेरा वैक्सीनेशन हो गया। चलो हो गया इंजेक्शन, बोलो हो गया। तो आकर्ष को बहुत थोड़ा सा दर्द हुआ और अभी आकर्ष एकदम खुश है, और डॉक्टर ने बोला है कि बुखार आएगा ऐसा नहीं लग रहा है, देखते हैं अभी आगे कैसा जाता है, आप लोग से शेयर करेंगे आज का पूरा दिन। और हम लोग आ गए हैं फाइनली योगी धाम में, गार्डन में। आकर्ष देखिए कार पार्किंग के सामने ही, इनको थोड़ा सा वॉक करना था खुली खुली हवा में, तो ज़्यादा उतरता नहीं है आकर्ष। तो अभी हम लोग आ गए हैं, आकर्ष का वैक्सीनेशन हो गया है और हमने लौकी की मिक्स दाल और राइस खा भी लिया है, लंच कर लिया आते ही नहाने के बाद। और ये देखिए आज संडे है तो मुझे घी बनाना था, तो ये मैंने, ये मेरा मलाई है, अभी देखिए थोड़ा मैंने इसमें डाला है ऐसे करके, पूरा मैं इस बॉल में डाल दूंगी। और अभी इसी मलाई में हम लोग 2 चम्मच के करीब दही मिला के अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मलाई इकट्ठा करने का काम मिस्टर सिंह का है, सब दूध से मलाई निकाल के इकट्ठा किया, अभी इसका हम लोग आज घी बनाए। ये देखिए एक्सरसाइज हम लोग कर नहीं रहे हैं तो स्पोर्ट्स वाला टी शर्ट डाल भी पहन लिया मैंने। और ये देखिए दही डाल के यहाँ पे मलाई इसमें बाद में 2-3 घंटे तक रखते हैं, और तब तक के लिए ये देखिए पापा के लिए मैं भून रही हूँ मूँगफली, थोड़ा सा इसमें घी डाला हुआ है और इसको अच्छे से भुनेंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच तेल में मूँगफली भुनने के बाद मैंने सेम कढ़ाई में मखाना भी लिया, ये देखिए मूँगफली इस समय मैं निकाल दे रही हूँ, ये भून के मेरा रेडी हो चुका है और अब हम लोग भूनेंगे मखाना। तो ये देखिए मखाना मैं कढ़ाई में ऐसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ
और फिर उसको भी धीमी आंच पे अच्छे से भून के साइड में निकाल लेना है। देखिए अभी इसमें मैंने राई और जीरा, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता थोड़े से तेल में डाल दिया है और अब इसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा पका लूँगी। ये देखिए हल्दी डाला और इसको 10-20 सेकेंड के लिए मिक्स कर लूँ। और उसके बाद उसी मिक्सचर में मैंने एक पैकेट, स्मॉल पैकेट जो आता है, वो पूरा कुरमुरे का इसमें डाल दिया है और उसको धीमी आंच पे अच्छे से भूनूंगी एकदम। ये पहले से ही क्रंची रहता है लेकिन थोड़ा सा सिल जाता है बारिश में, इसलिए अच्छे से धीमी आंच में भूनेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा मूंगफली रेडी है भून के, और मखाना भी मैंने साइड में निकाल लिया है दोनों एक ही बर्तन में, और इस समय वो अपना कुरमुरा भी ऑलमोस्ट भून के रेडी है। अभी ये सबको हमको थोड़ी देर बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितना टेस्टी लग रहा है ये आइटम। चाय के साथ शाम को खाइए। और इसमें क्या क्या डालना है मैं बता रही हूँ आपको। हमारे यहाँ तो सबको शुगर भी नहीं खाना, नमक भी नहीं खाना, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप चीनी पीस के डाले टेस्ट के लिए, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सब आप ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो डालिए नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है ये। और आप लोग भी ये इवनिंग स्नैक हेल्दी नमकीन एक बार ट्राई करिए तो आप बाहर का नमकीन एकदम भूल जाएंगे। और मैं भी पहले बाहर का बहुत नमकीन खाती थी तो मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग भी शुरू करिए। और मुझे कमेंट करिए कि आप लोग में से किसने हेल्दी खाने की शुरुआत की है। और मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी देखिए आप, उसमें काफ़ी सारे हेल्दी ब्रेकफास्ट के भी ऑप्शन हैं, तो वो भी ट्राई करिए और ये भी उसमें इंक्लूड करिए और मिला जुला के आपको बहुत हेल्दी। और अगर आप लोगों को हेल्दी डिनर और लंच की भी रेसिपी चाहिए तो वो कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग से वो भी शेयर करूँगी। और ये लाई है, सिंगदाना है, तो इसको साथ में भून लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, कुरकुरा कुरकुरा रहता है, इसको एक बार रख के आधा दिन खा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, पेट के लिए भी अच्छा है। ये इसको ऐसे सब खाते ही है, मतलब रख के ऐसा आठ दस दिन आराम से खा सकते हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए आकर्ष इवनिंग का ब्रेकफास्ट अपना कर रहे हैं, आज वही रवा वाला आपका डोसा बना था और ये इवनिंग में, और ये शाम के डिनर में बना था भोपले की सब्जी, वो झोंक रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं और मिस्टर सिंह थोड़ा सा बारिश में वॉक के लिए निकले थे और कुछ सामान भी लेना था वो भी ले लिए। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, लगातार बारिश थी लेकिन हल्की हल्की, इसलिए हमको अम्ब्रेला लेके जाना पड़ा और उसमें ही हमने वॉक किया। और यहाँ पे देखिए हमारा घी कितना अच्छा बनके एकदम रेडी है, वाओ कितना अच्छा लग रहा है और इतनी क्वांटिटी में भी निकला है। क्या बनाया आकाश, क्या बनाया? ए, 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 ए,
टी बना दिया टी। यार इतना सारा टी बना दिया आकाश ने अपने ब्लॉग से, देखो। और यहाँ चोको पाई का लाइन लगा हुआ है। आकाश क्या है ये, काउंट करो। टू सिक्स। अरे वाह, सच में सिक्स है। वाह, ये देखिए आकाश की कलाकारी, आकाश ने टी बना। और यहाँ पे देखिए घी हमारा निकल चुका है और उसको मैं छन्नी से पूरे छान रही हूँ। ये देखिए काफ़ी सारी क्वांटिटी में घी था और इस पूरे घी को मैंने छान लिया। और आकाश के स्कूल का लाइव कॉन्सर्ट था, यूट्यूब पे लाइव हो रहा था उनके स्कूल से, तो आकाश देख रहे थे और पहचान रहे हैं कि मेरे स्कूल में ही हो रहा है ये, तो वो इवनिंग में हम लोग ने अटेंड किया। और आकाश का येलो मिल्क वगैरह हो गया है और अभी हम लोग सोएंगे। अभी तक तो फीवर नहीं आया है, रात में देखते कैसा रहेगा। तो ऐसा रहा आकर्ष के वैक्सीनेशन का पूरा दिन। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।